दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। अगर आप लोग क्लास टेंथ मैट्रिक पास कर चुके हैं और इंटर में एडमिशन कराने के लिए सोच रहे हैं और आपके मन में सवाल आता है कि कॉलेज का चयन किस प्रकार से करें ताकि आपका नाम उस कॉलेज में आए, और कॉलेज चयन करने का सही तरीका क्या है, और कितने कम से कम कॉलेज का चयन कर सकते हैं, अधिक से अधिक कितने कॉलेज का चयन कर सकते हैं, तो तमाम बातों को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। देखिए, अगर आप किसी भी फैकल्टी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे फैकल्टी हो गया आर्ट, साइंस, कॉमर्स, अब आपको करना क्या है कि आप कम से कम कितने कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको कम से कम 5 कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। 5 कॉलेज से कम कॉलेज को चुनते हैं तो आपका आवेदन एक्सेप्ट नहीं होगा, 5 कॉलेज को चूज करना ही होगा। बहुत छात्र के मन में होता है कि एक कॉलेज को चयन कर लेंगे तो मेरा नाम उसी में आएगा, ऐसा नहीं होगा, आपका आवेदन ही एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए 5 कॉलेज का लिस्ट बना लीजिए, अधिक से अधिक आप 20 कॉलेज का चयन कर सकते हैं, यानी 20 कॉलेज से अधिक कॉलेज को चुन नहीं सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि किस प्रकार से आप कॉलेज का चयन करेंगे ताकि आपके मनपसंद कॉलेज में आपका नामांकन हो। तो देखिए, पहले आपको करना क्या है कि 1 से लेकर 5 तक नंबर बैठाइए कॉपी पर, और आपको कॉलेज का चयन इस प्रकार से करना है। जैसे आपका मन है कि हम टीपी कॉलेज में करवाएं एडमिशन, तो पहले आप क्या कीजिए कि टीपी कॉलेज लिख लीजिए। फिर आपका मन है कि टीपी कॉलेज में अगर मेरा नामांकन नहीं हुआ तो मेरा नाम कम से कम पीएस कॉलेज में होना चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन आपको रखिए पीएस कॉलेज को। अगर आपका नाम टीपी पीएस में नहीं होता है तो फिर आपका मन होता है कि इन दोनों में नहीं हुआ तो मेरा नाम इस कॉलेज में होना चाहिए, कॉमर्स में होना चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन में आप कॉमर्स कॉलेज को रखिए। फिर अगर आपका होता है मन कि अगर कॉमर्स में भी मेरा नाम नहीं आया, अगर उनका कट ऑफ देखते हैं तो उनके कट ऑफ से आपका मार्क कम है तो आपको लगता है कि उस कॉलेज में नाम नहीं आएगा, तो फिर आपका मन है कि इस तीनों कॉलेज में नहीं हुआ तो चौथा कॉलेज मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा में होना चाहिए, तो चौथा ऑप्शन में मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा रखिए। फिर लगता है कि उसमें भी नहीं होगा तो पांचवा ऑप्शन आपको लगता है कि हम सीएम साइंस कॉलेज रखें तो सीएम साइंस कॉलेज रखिए। तो इस प्रकार से आप कॉलेज का चयन करेंगे। उसके बाद आप 5 विकल्प जब मनपसंद चयन कर लेते हैं और मन है कि इसके बाद भी इसमें आना चाहिए तो उस पर अनुसार आप देते जाएंगे, 20 तक कॉलेज का चयन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने जान लिया है कि किस प्रकार से कॉलेज का चयन करना है, यानी आपको जिसमें एडमिशन लेना है प्रथम आपका चॉइस जो है, प्रथम पसंद जो है, पहले उस कॉलेज को रखिए। फिर आपका मन है कि इसमें नाम नहीं आया तो उस कॉलेज को रखिए, फिर लग रहा है कि इसमें भी नहीं आएगा तो फिर आपका थर्ड चॉइस जो है उसका रखिए। इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार से घटते क्रम में कॉलेज को चूज करते जाइए, तो इस प्रकार से आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन होगा ही। यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार बोर्ड से संबंधित, एडमिशन से संबंधित, 11th 12th का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।